तो अभी गाइस ये देखो टेक बर्नर का फोन मेरे हाथ में है, जो हजारों फोन रिव्यू करते हैं उनका फोन मेरे हाथ में। आइए दोस्तों देखें टेक बर्नर के फोन में क्या, चलो आओ देखते हैं क्या है इसमें। नहीं पानी में, नहीं पानी में, नहीं वो डाल दिया भाई, सच्ची में डाल दिया। वैसे कुछ हुआ ही नहीं इसको, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बेस से पानी निकल जाता है इसका वाली, बस अगर तू फेंक देता और मेरे को तैरने लेने जाना पड़ता तब दिक्कत है। भाई लेकिन मैं डर गया था भाई, एक सेकंड के लिए मगरमच्छ आ जाता फिर। मगरमच्छ फोन नहीं ले आता, वो फोन वाले बंदे को ले आता है। तो फिर से वही जंगल के रास्ते जाना पड़ेगा हमको। तो कुछ और सब्सक्राइबर मिले हमको यहाँ पे हमारी फैमिली मेंबर्स, तो पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है, उसके बाद करेंगे क्या की। क्या खाना चाहोगे? क्या राजमा चावल भाई, पहाड़ी खिलाए इनको आज, पहाड़ी भी मिलता है, मिलेगा भट मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, तो बस ठीक है। भट हाँ? भट की दाल होती है और चावल होते हैं, तन में भट नहीं यार, भट दाल का नाम है। भट की चुकाने डुबके राइस या फिर अचार, ये अच्छा सर ठीक है, भट की डूबना नहीं है भाई, डूबना नहीं है तो ये नहीं आएंगे, भट की चुटकानी अच्छा है ना, अच्छा अच्छा सही। अरे वो उसका नाम है, उसका नाम है, अरे डुबके डुबके उसका नाम है। अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिपीट कर करके देखता रहेगा। अरे थैंक यू भाई, बहुत टॉप सीक्रेट यहाँ पर। अरे हाँ टेबल आ गया, टेबल आ गया, रिव्यू रिव्यू। तो पीयूष से पूछा जा रहा है कि तू फोन पे किससे बात करता है? सौरभ भाई और भी बता दे कोई, तो किससे बात करता है? शर्मा गया। तो अभी हमारा लेमन सोडा आ गया, पहले यही पीते, खाना तो आ नहीं रहा। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, दाल चावल और पहाड़ी खाना मंगाया स्पेशली टेक बर्नर भैया के लिए। एक्चुअली पहाड़ से बना के लाए, इसने टाइम लग गया भाई, ये पूरा मैं नहीं खा पाऊंगा, ये पूरा पहाड़ी खाना है, ये मडवे की रोटी है। तो अभी खाना हो चुका है, फिलहाल चलते हैं कैकी के लिए, 3:13 हो गए हैं। तो अभी साहिल का गिफ्ट लेने जा रहे हैं, साहिल का गिफ्ट पड़ा है ना गाड़ी में, लेक के बीच में अनबॉक्स करेंगे साहिल का गिफ्ट। तो जैकेट वैकेट डाल लिया सबने, रेडी भाई? डर लग रहा है, रेडी हाथ कहाँ पर है। तो अभी हम जाएंगे इस वाली में, 3 सीटर है, तीनों भाई एक में। तो अभी हम तीनों भाई निकल पड़े हैं, बिल्कुल बीच में चलते हैं। ले भाई मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट, बढ़िया जी तेरा, बाय बाय, हैप्पी बर्थडे। इसको भर के दे, इसके अंदर हो सकता सेब हो। ये कैसे मैं लाया और कौन लाया भाई? अरे यार थैंक यू सो मच यार, ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट भाई यार, हैप्पी बर्थडे, ओह हैप्पी बर्थडे, अरे हैप्पी बर्थडे, कहां से लिया है, कहां से लिया? एप्पल स्टोर से, कहां से लिया और क्या, प्रो है क्या? प्रो है ले, प्रो है क्या, ये नकली दिख रहा है तेरे को भाई? वो पता है एक मतलब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, हल्का हल्का थोड़ा सा, क्या ही बोलूं यार, ये तो मतलब और साहिल को भी पसंद आया और हमने यहाँ पे अनबॉक्सिंग किया, काफी मजा आया, मतलब लेक के बीच में, पहाड़ों के बीच में। तो गाइज कभी भी नहीं सोचा था कि जिनको मैं वीडियोस में देखता था और आज उनके साथ में इस तरह से लेक में होऊंगा मैं, और मतलब साहिल का बर्थडे सरप्राइज अनबॉक्सिंग करूंगा इनके सामने, अनबॉक्सिंग करने वालों के सामने अनबॉक्सिंग करवाऊंगा साहिल से। वाह भाई, आज भाई काफ़ी ज़्यादा हम्बल बट एक्चुअल भाई जैसा वीडियो में वैसा ही मतलब रियल लाइफ में भी, और मैं पर्सनली इतनी सारी चीज़ें सीख सकता हूँ कि कैसे लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों को मतलब ऐसे एक प्यार देने वाली बात होती है ना कि लाइक वो पूरी फैमिली के भाई, तो मतलब एकदम मेरे को बहुत अच्छा सा फील हुआ भाई। हेलो, तो यहाँ पानी के बीच में भी हमको सब्सक्राइबर मिल गया। साहिल तो आज के दिन सबसे ज़्यादा खुश होगा, सबसे ज़्यादा। वैसे ये ट्रिप ना बिल्कुल अनप्लान थी, हमारे कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, वो टेक बर्नर भैया आए ना तो उन्होंने कहा कि चलते हैं, मैं चलो यार, क्योंकि मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से उनको मैं देखता हूँ, जब मेरे 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है अपने फेलो क्रिएटर से मिलके और उनके साथ में टाइम स्पेंड करके, उनके साथ में बातें करके, यूट्यूब के बारे में बातें करके। तो आज हमने काफ़ी बातें की यूट्यूब के बारे में,
क्रिएटर्स के बारे में, यूट्यूब पे क्या होता है, और टेक्निकल नॉलेज भी ली उनसे काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम किनारे पे पहुंच गए। साहिल कह रहे हैं कि मेरे को पानी में कूदना है, हैं? तू तो नहीं कूदेगा ना? कूदेगा तू भी? भाई ठंडा लग जाएगा यार, शाम का टाइम हो गया ना, तो मैं तो नहीं कूदूंगा, मेरा तो कोई प्लान नहीं है। तो ये भाई लोग हैं जो कि हमेशा हमको कराते हैं काय की ब्रिज के पास में। ओ भाई कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू यार। भाई तेरे तेरे होठ, तू ठंड लग रही है ना तेरे को? नहीं, तेरे होठ नीले पड़ गए हैं होठ। ओ पीयूष भी गया भाई। फुल भीग के आ गया और सारे पैसे भी भिगा दिए अपने। कांपते हुए जा रहे हैं, लेकिन मजा तो आया भाई। मजा आया ना? आया मजा तो आता ही है। क्या हुआ? ओह माय गॉड, गेमर ब्लेड। ओह माय गॉड, चलो 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 जाओ होटल इधर। क्या हुआ? ओह माय, क्या हुआ? ओह माय गॉड, तो चेंज कर लिया इन्होंने कच्चा बंडी लेके चलते हुए, और मैं अपनी इज्जत बचाते हुए क्योंकि इसमें चैन नहीं है। आजा 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 आजा, अब घर चलोगे ना हमारे? चलो चलो चलो। तो कैसा लग रहा है आज हमारे घर जा रहे हो? भाई मजा आने वाला है यार, पहली बार हल्द्वानी के होते हुए फर्स्ट टाइम। भाई यार सौरभ भाई ने कभी मेरे को घर ही नहीं बुलाया। अरे ऐसे मत बोलो, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। जिस दिन घर आए थे उसी दिन बोला था कब आ रहे हो घर के। 8 बजने वाले हैं, लेट हो गए हम बहुत। सबसे ज्यादा मजा तो साहिल को आया है। बैठो 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 भाई, तो बहुत सुंदर है यार। ब्लॉग में दिखाया है मैंने, लेकिन ब्लॉग में इतने अच्छे नहीं दिखते जितने रियलिटी में दिखते हैं। हाँ मतलब ब्लॉग में पता नहीं चलता, मेरे को पता है भाई ऐसी पेंटिंग बनाना मजाक वाला काम नहीं है, इसमें लगते हैं भाई महीना महीना लग जाता है। तो भैया को मेरी आर्ट वर्क्स काफी पसंद आए हैं। चलो आर्ट वर्क्स पसंद आ गए इनको मेरे। भाई बहुत बहुत पसंद नहीं है भाई, बहुत बहुत क्रेजी है भाई। ओ भाई ये क्या है? ये तो नेक्स्ट लेवल बन रहा है भाई। तो भाई साहिल देखो बर्थडे बॉय, इसके ऊपर पूरी लाइट ही लाइट हो गई है। चलो फिलहाल डिनर करते हैं। तो आज का डिनर हमारे घर पे, आपका घर का खाना बेस्ट खाना। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं भाई, ये वाला टेबल को बजाना मत, बस खाते खाते जी हां दोस्त। तो फिलहाल डिनर हो चुका है, अब कड़क चाय पीते हैं। तो फिलहाल भाई लोग जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मस्त डे था, कोई प्लान नहीं था बट फिर भी बहुत मजा आया। फिलहाल इनको छोड़ के आता हूँ होटल रूम, और फिर जल्दी मैं जब दिल्ली आऊंगा तब मिलते हैं। और जो प्लान है वो होना चाहिए, इनका इनका पत्ता कटना चाहिए। पत्ते नहीं कटेंगे, पेड़ उगाया जाएगा। चलो भाई चले। चलो तो मतलब अब आप जाने वाले हो, तो मुझे काफी बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है मेरे को भी काफी ज्यादा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा लग रहा था, इतना फन करा, सारी चीजें एक दिन में कर लिया भाई। ऐसा लग रहा था 3-4 दिन का काम कर लिया भाई। तो अभी टाइम क्या हो गया, अभी 10:30 हो चुके हैं। तो अभी हम कट करते हैं आज का दूसरा केक, बट जो ये वाला केक है ये अंकित एंड साहिल का है, एंड अंकित ये इनका भी बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे। इनको तो आपने देखा होगा, बहुत अच्छे इंसान है सौरभ जी। मानसी जी इनके भाई हैं ये। मतलब देख लो हम 11 बजे केक कट कर रहे हैं। बर्थडे टू यू। तो अभी गाइस रात के 12 बजने वाले हैं और अब हम घर जा रहे हैं, मतलब इसका बर्थडे खत्म होने वाला है, सिर्फ 3 मिनट बाकी है। कैसा रहा बर्थडे? बेस्ट बर्थडे एवर सच्ची में। iPhone 13 Pro मिल गया, गिफ्ट मिल गया, मजा आ गया भाई। तो अभी हम एक और बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रहे हैं अंकित भाई का, तो काफी अच्छा लगा वहाँ भी। तो बस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ, आज गाड़ी में व्लॉग को एंड करते हैं, जाके एडिटिंग भी करनी है, 12 बज गया, पता नहीं कब एडिटिंग कम्प्लीट होगी, थक गया हूँ पूरा दिन भर, काफी ट्रैवल किया है, काफी गाड़ी चलाई है, बट व्लॉगर की लाइफ ऐसी होती है। तो व्लॉग पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गार्ड वार्ड नहीं लगाते क्या भाई? वही मैं इनसे बोल रहा था भाई, इतना महंगा फोन गार्ड नहीं लगाते? आपके पास पहले कैसे आता है फोन? एप्पल ने भेजा था। एप्पल ने? हाँ। मेरे को भिजवा दो यार 10-20। मैं कनेक्ट भाई अगले दिन भाई वीडियो बनाने में सारा भाई के एप्पल की दुकान।